बनाने जा रहे हैं छोली पूरी और ग्रीन चिली फ्राई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड एंड ब्यूटी, और मेरा नाम है अंजलि। तो आज हम छोले पूरी बनाने जा रहे हैं, सफ़ेद छोले और पूरी, और बहुत टेस्टी बनती है। तो ये ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है पूरी का आटा मलने जा रहे हैं, और रात को मैंने जो है छोले सफ़ेद छोले भिगो के रख दिए थे। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा, आधा चम्मच मीठा सोडा और आधा चम्मच नमक और पानी डाल के मैंने भिगो के रख दिया था रात को छोलों को, सफ़ेद छोलों को। और यहाँ पे अब मैं सुबह मॉर्निंग में जो है पूरी का आटा मल रही हूँ, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन डाल के मैं आटा गूँध रही हूँ। टाइट गूँधना है हमें पानी के साथ आटा पूरी का। कुकर में मैंने जो है विसल दिलाने के लिए रख दिया था छोलों को, और यहाँ पे हमने आटा मल लिया है। देखो रेस्ट पे रखने दूंगी थोड़ी देर के लिए। और साथ ही साथ अब जो है छोले उबल चुके हैं, एक विसल आ गई थी छोलों की। फिर मैंने 20 से 25 मिनट छोलों को धीमी आंच पे पकने दिया एक विसल आने के बाद। उसके बाद हमने कुकर का ढक्कन खोल लिया, और अब जो है मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ, और छोले भी हमारे कुकर में उबल चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में मैंने एक नॉनस्टिक फ्राई पैन ले लें या कढ़ाई ले लें, उसमें मैंने जो है सबसे पहले जो है तेल डाल लेना है, और उसमें जो है ये मसाले ऐड करने वाली हूँ। आप सारे मसाले सब चीज़ें इंग्रीडियंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई या फिर आप कढ़ाई ले लें तो मैंने ले ली है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब मैं जीरा तड़का रही हूँ, एक एक कर सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लौंग और दालचीनी ऐड कर लिया। अब मैंने ग्रीन चिली को मैंने चॉप करके रखा हुआ था वो ऐड कर दी है। ग्रीन चिली को मैंने तिरछा तिरछा कट करके बीच में से कट करके मैंने ऐसे डाल दिए। वो लंबी लंबी मिर्चें अच्छी लगती हैं छोलों में। और साथ साथ मैंने जो बारीक प्याज चॉप करके रखे हुए थे, 2 से 3 मध्यम आकार के प्याज हैं, उनको मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, सोते कर लूँगी, स्टर फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद जो है अब इसके गोल्डन ब्राउन होने तक का इंतज़ार करूँगी, अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं टमाटोज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर है मैंने थोड़ा सा, आप अगर चाहें तो अदरक लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, अदरक लहसुन की आप पेस्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्किप करा है क्योंकि मम्मी है तो इसलिए मैंने अदरक नहीं ऐड करी, और गार्लिक पसंद नहीं करते इसलिए ऐड नहीं किया, बट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे टमाटोज ऐड कर लिए। टमाटोज मैंने 3 से 4 लिए हैं, जिनको मैंने बारीक या रफली आप चॉप करके डाल लें। आप चाहें तो प्यूरी भी ऐड करके डाल सकते हैं टमाटोज की, बट मैंने रफली चॉप करे हैं। और अब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी, और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया है मैंने यहाँ। और मैंने हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी ली है, 1/4 चम्मच से भी कम मैंने हल्दी ली है, क्योंकि छोले हैं सफ़ेद छोले तो काला रंग आना चाहिए, इसलिए हमने हल्दी का कम इस्तेमाल किया है। रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच डाला है। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऐड करा है। नमक का आप ध्यान रखें क्योंकि हमने उबलते टाइम पे भी नमक डाला था और भिगोते टाइम पे भी नमक डाला था, इसलिए अब यहाँ पे नमक हिसाब से डालें। अब मैंने यहाँ लाल देगी मिर्च डाली है रंगत के लिए, ताकि कलर अच्छा आए छोलों का। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल देगी मिर्च डालते ही, मसाले डालते ही कितना अच्छा ग्रेवी तैयार होने लगा है। अब हम इसे जो है करची से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, गरम गरम है तो अच्छे से मसाला भुन जाएगा, फ्राई हो जाएगा और मसाला तेल छोड़ने लग जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं हल्का हल्का मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब मैं यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो खट्टी दही का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दही ऐड करी है, लगभग 1 बड़ा सर्विंग स्पून ऐड किया है हमने। अब हम इसे करछी से हिलाएंगे, तो ये तो अपने आप जो है देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से जो है बिल्कुल टेक्सचर ऐसा आ जाएगा। गैस फ्लेम बिल्कुल हाई कर दें और ऐसा टेक्सचर आ जाएगा। और अब हमारी जो है ग्रेवी तैयार हो चुकी है छोलों के लिए। तो अब हम इसमें जो है अब देख पा रहे हैं साइडों में बिल्कुल तेल छोड़ने लगा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की, और जितना अच्छा मसाला भुनेंगे हम उतना अच्छा वो रंगत आएगी। अब हमने यहाँ छोला मसाले का पाउडर आता है, छोले मसाले का पाउडर हमने लगभग 2 चम्मच ऐड किए हैं। छोले मसाले का पाउडर हमने ऐड करने के बाद आप देख रहे हैं रंग कलर कैसा आने लग गया। तो जब तेल छूट जाता है मसाले का, उसके बाद ही हमने छोला मसाले का पाउडर ऐड किया है। अब हम इसमें
इसकी अरोमा आप लें, इसका खुशबू लें तो काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। अब ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसमें छोले ऐड करेंगे। छोले अब ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, ढाबा रेस्टोरेंट सब फेल हो जाएगा इसके आगे। हमने इस तरीके से तैयार किया है और वो भी बिना अदरक लहसुन के, तो भी अच्छा टेस्ट आ रहा है। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसे। और अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन ऐड कर सकते हैं, उससे जो स्वाद है वो और दुगना हो जाएगा इस तरीके से बनाएंगे तो। और मसालों में आप यहाँ पे तेज पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें स्किप की हैं। और इस तरीके से मैं बना रही हूँ, सिंपली ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, लेकिन टेस्ट बनाने का अलग अलग वे होते हैं, उनके अलग अलग टेस्ट ही निखर के आते हैं, ऐसा भी होता है। मैंने पहले भी छोले की रेसिपी शेयर करी है, उसमें बिल्कुल अलग तरीके से बनाया, आप वो भी देखें। पे मैंने उबले छोले मिक्स कर लिए अच्छे से, और अब मैं यहाँ पे भुना जीरा रोस्टेड पाउडर ऐड कर रही हूँ, और ये लगभग मैंने जो है 1.5 चम्मच लिया है। अब मैं इन्हें जो है मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और जो पानी बच गया है जिसमें छोले उबाले थे, वो पानी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। हमने पहले छोले इसलिए ऐड करे अलग से निकाल के, ताकि छोलों के अंदर मसाला चढ़ जाए, उसके बाद हमने जो पानी बच गया था उबले हुआ वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसका लुक टेक्सचर। अब हम इसे 1 से 2 उबाल आने देंगे, ताकि अच्छे से रंगत कलर खुशबू चढ़ जाए, इसकी थिकनेस आ जाए। और अब हम इसे उबलने देंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे। और इसके बाद आप इसकी जो है ऊपर धनिया पत्ती से गार्निश करें। हम यहाँ पे बारीक कटी धनिया पत्ती से गार्निश करने वाले हैं, और यहाँ पे मैं ग्रीन चिली जो है आमचूर और नमक के साथ सोड़ूंगी, फ्राई करूँगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, पूरी छोले विद ग्रीन चिली फ्राई की हुई, जैसे छोले भटूरों के साथ मिलती बिल्कुल वैसा ही कुछ कुछ, और टेस्ट भी बहुत वैसा आएगा, छोलों का बिल्कुल वैसा ही टेस्ट उतर के आता है जिस तरह से मैंने बनाया है, रेस्टोरेंट वाला ही टेस्ट आएगा इसके अंदर, ट्राई करें ज़रूर। अब जो है तेल अच्छे से जल्दी से गर्म कर लूँगी और जल्दी से पूड़ियाँ बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने ली एक स्टाइलिश प्लेट सर्विंग के लिए, अच्छी लगती है इस तरह की। यहाँ पे जो है अब मैं छोटी छोटी पूड़ियों के बॉल्स, पूड़ी के आटे के बॉल्स बना लूँगी, पेड़े लेके छोटे छोटे, और फिर इन पेड़ों की पूड़ियाँ बेलूँगी। और उससे पहले मैंने यहाँ पे जो है तेल जो है गरम कर रखा था, उसमें मैं मिर्चियाँ फ्राई कर लूँगी। तेल बहुत ज़्यादा गरम था तो थोड़ा अलर्ट रहें, और मैंने मिर्चियों को फ्राई करके अलग से प्लेट में निकाल लिया। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी आमचूर पाउडर, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, मैंने आमचूर और नमक को लेके इसके ऊपर बुरक दिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये मिर्चों को मैंने अलग से तेल में फ्राई करके निकाल लिया था, इसे मसाले ऐड कर लिए। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी, नमक और आमचूर से जो है मिर्ची को फ्राई करके बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर ट्राई करें, छोले भटूरों के साथ भी अच्छे लगते हैं, नान दाल मखनी के साथ भी हो गए, दाल मखनी हो गई उसके साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिर्ची का। तो अब हम यहाँ जो है जल्दी से पूड़ियाँ बेल लेते हैं, और फिर तेल जो हमारा गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से, अब मैं पूड़ियाँ जो है तेल से निकालने जा रही हूँ। तो यहाँ पे अब हमने जो है तेल से पूड़ियाँ निकाल लेंगे, कम से कम 8 से 10 पूड़ियाँ निकाल लेंगे, फिर मैं आपको जो है इसमें जब हम पूड़ियों को तलेंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, बिल्कुल अच्छे से पूरा डिप होने दें, धीमी आंच पे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे भी ना पकाएं और बिल्कुल धीमी आंच पे भी ना पकाएं, बिल्कुल जो है मीडियम फ्लेम पे पकाएं, ताकि पूड़ियाँ सूखी भी नहीं और कच्ची भी ना रहे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ये पूड़ी बेलने के बाद आप इन चीज़ों को डीप फ्राई अच्छे से करेंगी तो पूड़ी भी अच्छे से फूलेंगी, अच्छी फूलती हैं तो अच्छी लगती हैं, इससे सॉफ्ट रहती हैं काफ़ी समय तक पूड़ियाँ, वरना हार्ड हो जाती हैं पूड़ियाँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें तलाई करते समय, कि पूड़ियों को आप एक तो अच्छा बेलें, और दूसरा जब आप डालती हैं तो तरीके से डालने के बाद अच्छे से उसको दबा के हल्का प्रेस करके फ्राई करें, तो उससे पूड़ियाँ फूली फूली बनती हैं और अच्छी लगती हैं और काफ़ी लंबे समय तक भी रहती हैं। और अब जो है मैंने सर्व कर दिया है, और इस तरीके से हमारी पूड़ी छोले और फ्राई मिर्ची ग्रीन चिली तैयार हो चुकी हैं, और बहुत टेस्टी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करें रेसिपी।
फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी रेसिपी। मैं इस तरह से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस रेसिपीज लाती रहूँगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, एंजॉय द रेसिपी।